मेरे आंखों के सामने अच्छी लड़की आई थी, मेरे आंखों के सामने एक ऑक्सीजन की खातिर मरी है, एक ऑक्सीजन की खातिर। ये कौन है, ये कौन है? इनका भाई है। आप भाई हो गया लड़की का? बोलो बोलो बोलो, उनसे बात करो। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए हो आप भाई साहब? बोलो बोलो, कहाँ से आए भाई साहब? वहीं से बता दो आप। हम गुणसी से आए हैं, अपनी भाई के पास गुणसी से आए हैं। पांच हॉस्पिटलों में भटक लिए भाई साहब, जयपुर में, एसएमएस में, बिरला में, स्टार में, भाई साहब कहीं भी वहाँ ताड़ा लगा दिया, देखते कि ले जाओ इसको, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे। इनके आग लगे सारे हॉस्पिटलों की, सरकार के आग लगे, हमारे बहन को नहीं बचा पाए भगवान। इनको क्या जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत थी क्या? ऑक्सीजन की जरूरत थी इनको, इनको सैचुरेशन मापने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं लगा। अब ये सरकारी हॉस्पिटल का ये हाल है, तो आप सोच सकते हो कि सब में ताले जुड़ते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों का क्या हाल होगा। ये है ना जयपुर का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, कुत्ते कमीने। आप ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को कुछ कहना चाहेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप तो ऐसे ही बंगलों में बैठ के आपकी तो ऑक्सीजन की गाड़ियाँ, आप कोरोना पॉजिटिव हो के आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इन गरीबों को देखिए। ये कौन है पेशेंट जो अभी खत्म हुई है? वो बहन है। कहाँ से आए हो आप? 25 साल की मेरी बहन है भगवान। कहाँ से आए हो? हम यहाँ से निवाई से, टॉप से, गुंजी से आए हैं निवाई के पास। कितने हॉस्पिटल घूमे आप? हम 5वें 6वें हॉस्पिटल में आए भाई साहब। ये यहाँ पे एसएमएस का हाल है, और यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में ये जनता यहाँ पे खड़ी है। एम्बुलेंस के सिर्फ अभी आई थी यहाँ पे, ये जिंदा थी यहीं पे बैठी थी, और 10 मिनट बाद में ये यहाँ पे ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। और सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई लगा रखा है, ताले लगा दो भाई साहब आगे से, ये भी क्यों खोल रखा है मैंने? यहाँ पे जनता में आक्रोश है, ये इनके भाई हैं और इनकी बहन है, ये 25 साल की, ये यहाँ पे दम तोड़ चुकी है ऑक्सीजन के अभाव के कारण। राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए भाई, यहाँ पे आम जनता का क्या हाल हो रहा है, जो गरीब आदमी है वो यहाँ पे आज मर रहा है, तड़प के मर रहे हैं यहाँ पे सरकार, और पैसे वालों को यहाँ पे ऑक्सीजन की मुहैया कराई जा रही है।